राप्ती मुख्य नहर परियोजना की शिकायत लोकायुक्त तक पहुंची, आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने की शिकायत। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने शिकायत की है। नूतन ठाकुर ने आवंटन को रद्द करने की मांग की। बहराइच में बन रही राप्ती नहर परियोजना का यह मामला है। राप्ती मुख्य नहर परियोजना की शिकायत लोकायुक्त तक पहुंची है। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने शिकायत की। नूतन ठाकुर ने आवंटन को रद्द करने की मांग की है। बहराइच में बन रही राप्ती नहर परियोजना का यह मामला। नरेंद्र यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। नरेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है? नूतन ठाकुर ने लोकायुक्त से शिकायत की है। बिल्कुल, जिस तरीके से नूतन ठाकुर ने मुद्दा उठाया है, एक ही बड़ा मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। ये जल शक्ति विभाग का एक बड़ा घोटाला हो सकता है, क्योंकि जिस फर्म को राप्ती नहर की का काम दिया गया था, उसने तमाम दूसरे ठेकेदारों को, दूसरी कंपनियों को आवंटित कर दिया है और वही कंपनियां वहां पे काम करवा रही हैं। ये 354 करोड़ रुपए का मामला है। ये एक बड़ी नहर है जो बहराइच से होकर सिद्धार्थ नगर तक जाएगी और इसमें बड़े पैमाने पर काम होना है। करीब 700 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसमें घोटाले की तरफ नूतन ठाकुर ने इशारा किया है और उन्होंने सीधे कहा है कि तत्कालीन मुख्य अभियंता सरयू परियोजना को उन्होंने वो इसमें शामिल है और तमाम सिंचाई विभाग के अधिकारी और अभियंता इस घोटाले के पीछे शामिल है, संलिप्त है, उस ठेकेदार से और उस कंपनी से मिले हुए हैं जिसने तमाम पेटी कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम दिया है। इसको लेकर उन्होंने नवंबर में शिकायत की थी मुख्य अभियंता यानी HOD से, सिंचाई विभाग के, और प्रमुख सचिव को शिकायत की थी, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की है कि जो फर्म है जिसको आपने काम दिया है, उसने दूसरे लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से काम दे दिया है। जी, एक बड़ा घोटाला नरेंद्र हो सकता है और जिसका इशारा नूतन ठाकुर कर रही है। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर।